रमजान महीने में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की बेहतरीन मिसाल। आज देश में चल रहे नफरत के माहौल के बीच हिंदू मुस्लिम भाईचारे और एकता की बेहतरीन मिसाल बीजापुर शहर में देखने को मिली है। रमजान महीने के तीसरे रोजे पर जनलगर में स्थित कविता जागीरदार मैडम ने अपने घर में इफ्तार पार्टी रखकर एकता की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता फयाज कलादगी, कांग्रेस नेता टपाल इंजीनियर, पूर्व कॉरपोरेटर अब्दुल रजाक होरती, करवे अध्यक्ष यमसी मुल्ला के अलावा और भी कई लोग मौजूद थे। के अवसर पर तीसरे रोजे को आप सब लोग मेरे बुलाने पर आए और आके यहाँ पर इफ्तारी किया तो मुझे बहुत खुशी हुआ। हर सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। नम हिरासी अल्पसंख्यात राज्य उपाध्यक्ष सम्मान्य अपाजी साहेबी मुझसे गुजारिश करता हूँ कि आज की महफिल को जोर जोर से रौनक करें। अस्सलामुअलैकुम। बड़ी खुशी की बात है, आज हमारा रमजान का तीसरा जो रोजा था उसकी इफ्तार हम लोगों ने अक्सर मस्जिदों में अपने घरों में करते हैं, लेकिन आज एक बहुत ही एक अच्छा मौका मिला। हमारी कविता मैडम जो बीजापुर में एक जानी मानी सोशल वर्कर है और बहुत ज़्यादा मौसीकी के एक अच्छी भी है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल इसमें रहते हैं, तो उनका अपना एक जो है उनके प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। आज उन्होंने हम लोगों को इफ्तार को बुला के सब लोगों को बुला के एक हिंदू मुसलमान का जो भाव देते हैं ये होने का जो हिंदुस्तान का एक जो ये है उसको फिर से उन्होंने यकीन दिलाया है। हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इस तरह से बात कर रहे थे जिस तरह से कि भाई हालात सही नहीं, हकीकत में ये हालात है कि किस तरह से हिंदू मुसलमान और हम लोगों के इंसान को इंसान के बीच में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान जो गंगा जमुना तहजीब का एक संस्कृति का एक मिसाल है दुनिया में बहुत से देश हैं, हमसे बड़े देश हैं, हमसे बेहतर देश है, डेवलप्ड देश है, लेकिन हिंदुस्तान आपको कभी कहीं नहीं मिलता। हजारों लैंग्वेजेस, हजार जात पात, उनका संस्कृति, उनका रहना सहना, खाना बात करने का तरीका, ये सब होते हैं अनेक तैली एक थे। इन सब चीज़ों में यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिस तरह से इंग्लिश में कहते हैं, तो ये चीज़ की मिसाल कविता में क्यों लोग बार बार बोलते हैं कि भाई हिंदुस्तान मुसलमानों का देश है, तो कविता मैडम जैसे लोग जब तक रहेंगे कि प्यार मोहब्बत आपस में भाईचारा मिल के रहेगा, चाहे कितना भी हो, कितने भी हालात खराब हो, हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। तो मैं फिर एक बार उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको हिम्मत अफजाई देता हूँ हम सब लोगों की तरफ से, उनके हर काम में हम लोग आज सामने आएंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर उनका हिम्मत अफजाई करेंगे, चाहे कुछ भी कल्चरल प्रोग्राम हो या सोशल प्रोग्राम हो, घर के हो, हम सब लोग उनके साथ हैं, क्योंकि एक भाइयों की तरह वो बुला के हम लोगों को इतना इज्जत दिए, तो हमारा भाई बनने के नाते एक काम होता है कि बहन के हर सब के साथ खड़े हैं, चाहे कोई भी कुछ कुछ भी हालात हो, हम लोगों को बुला के इज्जत बख्शी और इतना अच्छा अरेंजमेंट किया इफ्तारी का, इसका बार बार दिली की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करते हुए
एकता मैडम उनका इन्हों नहीं दिख रहे कहाँ बचपन था, तो उनकी जो फैमिली है सबको अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा उम्र दराज करे और अच्छी सेहत दे। शुक्रिया। ऐसी न्यूज़ की ज़रूरत है टीवी में पेपर में। सब मेरे भाई लड़े एकदम घंटी नजर होता है।